सब्सक्राइब कीजिए मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या आप भी आपके व्हाट्सएप के कीबोर्ड पर इस प्रकार से फोटो लगाकर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल का रहने वाला है और ऐसे ही कमाल की वीडियोस मेरी तरफ से हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कभी भी कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कीबोर्ड पर इस प्रकार से फोटो लगाने के व्हाट्सएप में कोई भी ऑफिशियल सेटिंग नहीं है तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए अब हम प्ले स्टोर में जाके वो एप्लीकेशन को देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके कुछ सेटिंग्स है जो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है तभी आपके व्हाट्सएप के कीबोर्ड पर इस प्रकार से फोटो नज़र आ जाएगा। तो चलिए अब जाते हैं प्ले स्टोर में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम प्ले स्टोर में आ चुके हैं और जो एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उसका नाम है गूगल इंडेक्स कीबोर्ड, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं मान के चलता हूँ आपने इसे डाउनलोड कर दिया है, तो चलिए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह की स्क्रीन नज़र आ जाएगी जहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एनेबल सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज एंड इनपुट की एक स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको गूगल इंडेक्स कीबोर्ड बिल्कुल इसे एनेबल करना है और आपको नीचे अब पॉपअप नजर आ जाएगा तो यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप दोबारा सिलेक्ट इनपुट मेथड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको चेंज कीबोर्ड बोल रहा है तो यहाँ से आप इंग्लिश एंड इंडेक्स लैंग्वेज जो कि गूगल इंडेक्स कीबोर्ड है बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डन हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये सेटिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आपको कीबोर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप कीबोर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर अब आपको ऊपर की तरफ पहला ही ऑप्शन थीम का मिलेगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप थीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आप डिफॉल्ट थीम ले सकते हो इनमें से, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कीबोर्ड पर कोई फोटो लगाना है तो बिल्कुल आप माय इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे बिल्कुल यहाँ पर आपके गैलरीज के सारे फोटोज नजर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ये फोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने उस फोटो के ऊपर क्लिक किया बिल्कुल यहाँ पर फोटो ओपन हो चुका है और अब यहाँ पर आपको इस फोटो को एडजस्ट करना है जिस तरह से आपके कीबोर्ड पर दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इस फोटो को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर अब आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और नीचे डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने व्हाट्सएप में और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे कीबोर्ड पर ये फोटो नज़र आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम WhatsApp में आ चुके हैं और बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपके सामने WhatsApp चैट विंडो ओपन की है, लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड पर फोटो नज़र नहीं आ रहा है। अब क्यों नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी है। तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपको स्पेस बार दिखाई दे रहा होगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से अब आपको इंग्लिश एंड इंडेक्स लैंग्वेज गूगल इंडेक्स कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर अब आप देखिए वो फोटो नज़र आ रहा है जो मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया था, फिर जो आपने आपके गैलरी से सिलेक्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इसी तरह से आप व्हाट्सएप के कीबोर्ड का फोटो बिल्कुल चेंज कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको इस वीडियो में सर कुछ बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। तो के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।